नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही लगातार फैसले सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में सुखार को लेकर दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब किसानों के हित में बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। अब ये ऐलान क्या है और उसका कितना फायदा बिहार के किसानों को मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आप को विस्तार से बताते हैं। तो बता दें आपको कि अल्प वर्षापात से परेशान किसानों को अपनी फसल बचाने को लिए जो कार्य योजना है उसके तहत 16 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि अब सुबह 5 से रात 9 बजे तक किसानों को कृषि फीडर के माध्यम से बिजली मिल रही है। पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खेती के लिए कृषि फीडर में बिजली मिलती थी जो है। इसके साथ ही जली कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि सूखे की स्थिति पर पिछले महीने जब मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पटवन के लिए 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराए जाने का निर्णय हुआ, तो उसके बाद कई कार्य योजना बनाई गई है। इस संबंध में यह बताया गया है कि किसानों को 16 घंटे बिजली दिए जाने पर भी बिजली कंपनी को कोई अतिरिक्त बिजली की खरीद नहीं करनी पड़ रही है। दिन में लोड अपेक्षाकृत कम होने की वजह से हमारे पास पर्याप्त बिजली है, कहीं से किसी तरह की कटौती भी नहीं है। शाम में पीक आवर जरूरी है, पर शाम 7 बजे के बाद किसान पटवन के लिए प्रायः खेत पर नहीं आते हैं। इस कारण आपूर्ति में किसी तरह के उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं है। बिजली कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय में यह फीडबैक भी लिया जा रहा है कि पटवन के लिए बिजली दिए जाने का खेती पर क्या असर हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के जिले में रोपनी जो है वो बढ़ी है, वहीं उत्तर बिहार में घर और खेती की दूरी कम होने की वजह से पटवन को लेकर अपेक्षाकृत कम परेशानी है। बिजली कंपनी को कृषि फीडर के माध्यम से पटवन के लिए दी जा रही बिजली को लेकर राजस्व संग्रह के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। किसानों को मात्र 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा प्रति यूनिट की दर पर बिजली कंपनी को उपलब्ध करा दी जाती है। ऐसे में कृषि फीडर के तहत यह व्यवस्था है कि खेत के समीप ही ट्रांसफार्मर और मीटर है, यानी कि अब बिहार के किसानों को 16 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। जहाँ एक तरफ सूखे की वजह से वर्षा ना होने की वजह से किसानों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही थी, तो वहीं पानी को लेकर भी जो इंतजाम है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से करवाए गए हैं। अधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश दे दिया गया था और इसी की वजह से अब बिजली कंपनी जो है वो 16 घंटे किसानों को बिजली उपलब्ध करवा रही है, जिसका बड़ा फायदा बिहार के किसानों को मिल रहा है। यानी कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार के आने के साथ ही अब तक कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं जिसका असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।